और ब्रेक के बाद हम जो लेकर के आए हैं वो आपकी सेहत से जुड़ा है, क्योंकि आगरा में एक वीडियो इस तरीके से वायरल हो रहा है जिसको देखने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। सब्जी लेने से पहले लोग सब्जियों को शक की नजर से देख रहे हैं, भैया ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको रिपोर्ट देखना पड़ेगा, तो रिपोर्ट देखिए। सब्जी लेने से पहले हो जाए सावधान, सब्जियों में घातक केमिकल की रंगाई, आगरा की मंडियों में बट रही है मौत, डैमेज हो जाएगा लीवर और किडनी। ये हरी भरी सब्जियां देखने में तो खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन सब्जियों को खरीदने से पहले आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आगरा में इस समय कैसा वीडियो वायरल हो रहा है कि लोग सब्जी खरीदने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ये देखिए सब्जी को हरा भरा रखने के लिए किस तरह से इस पर बेहद घातक केमिकल से रंग चढ़ाया जा रहा है। सब्जी रंगने का रैकेट इतना बड़ा है कि खुद सब्जी बेचने वालों को भी इसकी खबर नहीं। पुड़ी में, करेली में, इनमें जा रही है। सुना तो पहले दिल्ली से लग के आता था। जब से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लोग काफी दहशत में हैं। पूरे आगरा जिले में खलबली मच गई है। आनन फानन में जिला खाद्य अधिकारी ने बैठक बुलाई और चेकिंग करने के निर्देश दिए। आम जनजीवन के स्वास्थ्य बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हरे रंग में मैक्सिमम कैडमियम और क्रोमियम पाया जाता है। लिवर और किडनी के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पूरे जिले में जो है इस तरीके के कारोबार करने वालों, विशेषकर सब्जी और फल के संबंध में टीम बनाई गई है, उनमें जो है विधिक कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो वो उनके खिलाफ किया जाए। सब्जी खरीदने से पहले आपको काफी चौकन्ना होने की जरूरत है। जो सब्जियां आप खरीद रहे हैं उन पर भी कलर चढ़ा हो सकता है। आगरा से भारत समाचार के लिए अनुपम पांडे की रिपोर्ट। तो राहुल देखिए आप सब्जियां भी किस तरीके से खतरनाक हो गई है, यानी कि सब्जियां देखने खाने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये सब्जी खाई जाए या ना खाई जाए। आगरा के लोग वाकई दहशत में है। अब अगली खबर भी आगरा से है जहां पर पुलिस की गुंडई का वीडियो वायरल हो गया है, सामने आया है किस तरीके से पुलिस सब्जी बेचने वाले की यहां पर पिटाई की गई। पिटाई के दौरान सब्जी का ठेला पलटा भी दिया गया, यानी गिरा दिया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस सादी वर्दी में सब्जी खरीदने आई थी। वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला थाना इत्माउद्दौला के टेढ़ी बगिया का है। असल में इसकी जानकारी है, दरअसल ये जो पुलिसकर्मी हैं ये चाहते थे कि सस्ती सब्जी दी जाए, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो मार्केट रेट के हिसाब से दे सकता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर प्याज 25 रुपए किलो है तो इनको 20 रुपए किलो में कैसे दे सकता है। और जब 20 रुपए किलो में नहीं दिया तो ये इन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही हूं, तुम समझ नहीं रहे हो, कल मैं वर्दी पे आऊंगा तुम्हारा ठेला यहां से हटा दूंगा। जब उसने कहा कि साहब क्या करें हमारी तो इतनी खरीद पड़ रही है, फिर भी धमकी दिया और जब फिर भी नहीं माना तो इस ठेले को पलटा दिया गया। राहुल क्या कर सकते हैं, अपने से कमजोर लोगों पर ही तो अत्याचार कर सकते हैं ना। सुमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुमित, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान इतने गुस्से में क्यों आ गए कि उन्होंने सब्जी वाले के ठेला ही पलटा दिया? देखिए राहुल जी, थाना अहमदौला के खिड़ी बगिया का मामला है और सादा वर्दी में ये पुलिस वाले हैं जो थाना अहमदौला में तैनात हैं और सब्जी लेने गए थे। उसी बात पर सब्जी की लेन देन को लेकर कुछ बात विवाद हुआ, जिसके बाद इन्होंने सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट शुरू कर दी, उसके ठेल पलट दी। काफी देर तक उसके साथ मारपीट करते रहे, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन इतनी वहां पब्लिक थी, किसी ने उनको बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको डर था क्योंकि वो खाकीधारी थे कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दें। अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात है कि क्या इसमें आगरा पुलिस इसमें एक्शन लेती है। अरे खाकीधारी थे तो कानून तो सबके लिए एक है ना। बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल आपने ये पूरी जानकारी दी। खबर बागपत से है जहां बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर तमंचे की बटों से पिटाई की है और घर से लाखों रुपए लूट ले गए हैं। पिटाई से महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला खेकड़ा थाना क्षेत्र के गिटौरा का है, यानी सब्जी वाले को पीटिए और उसके बाद चोर सक्रिय रहे तो कुछ नहीं, यहां पर कुछ मत कीजिए आप क्योंकि आपसे कुछ होगा भी नहीं। चलिए अगली खबर रामपुर से है जहां पर तेज रफ्तार जीसीएम ओवरब्रिज पर खड़े कांवरियों से भरी जीसीएम को टक्कर मार देती है, जहां पर हादसे में डीसीएम चालक मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि डीसीएम में बैठे 5 कांवरिये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, साथ ही पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। बिल्कुल रफ्तार का कहर रामपुर में भी देखने को मिला है। डीसीएम ने
टक्कर मारी है और कल रामपुर में खूब राजनीति हुई, लेकिन उसके बीच एक सड़क हादसे में आपस में टक्कर हुई है। इसमें पांच कांवरिये हैं जो घायल हुए हैं, फिर रामपुर हॉस्पिटल भिजवाया गया है, सभी का उपचार करवाया गया और आगे जो भी अपडेट होगा। फिलहाल मौके पर जो गाड़ियां हैं उनको हटवाया गया है और आगे कार्रवाई। कानपुर से खबर है जहां डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की डेथ हो गई। स्थानीय लोगों ने डीसीएम को दौड़ाकर पकड़ लिया। डीसीएम चालक को पकड़ा होगा, बहुत स्वाभाविक है, डीसीएम को क्या पकड़ेगा, और चालक को पुलिस ने हवाले कर दिया गया। घटना घाटमपुर के बीरपुर गांव की है। खबर गाजियाबाद से है जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते मीडिया सेंटर में आग लग गई है, जहां पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दमकल की दो गाड़ियां लेकर वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मामला कलेक्ट्रेट परिसर का है जहां पर इस तरीके की मीडिया सेंटर में आग लग गई। जाहिर सी बात है यहां पर कोई भी फायर फाइटर की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से ये आग लग गई और ये आग बढ़ती भी गई। अगर ये सुविधा होती तो हो सकता है पहले ही काबू पा लिया गया होता। आगे बढ़ेंगे खबरों में। शाहजहांपुर से खबर है जहां गांव के ही युवक ने दंपत्ति को गोली मार दी। शराब के नशे में युवक का दंपत्ति से विवाद हुआ, यानी पति पत्नी से विवाद हो गया युवक का, जिसके बाद युवक ने गाली देना शुरू कर दिया और जब पति पत्नी ने इसका विरोध किया तो युवक ने दोनों को गोली मार दी। दोनों की स्थिति गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। यह घटना निगोही के भट्टीपुरा पृथ्वीपुर गांव की है। नशे में युवक का दंपत्ति से विवाद हुआ और उसके बाद युवक ने दंपत्ति को थाना निगोही के पृथ्वीपुर भटपुरा गांव में आज दो पक्षों में जो है कहासुन हुई, उसके बाद में एक फायरिंग हो गई जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। इस संबंध में थाना निगोही पर अभी पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर लखनऊ में एपीएस पावर ट्रैक पर 11 का छापा पड़ा है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में लाखों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है एपीएस, जिस पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है और पकड़ी गई है टैक्स चोरी करते हुए। कागजात, कंप्यूटर बैकअप, सब कुछ जब्त कर लिया गया है। सरोजनी नगर से है ये एपीएस, जहां पर टैक्स चोरी संबंधी कागजात, कंप्यूटर बैकअप, सब कुछ जब्त कर लिया गया है। देखिए, सरोजनी नगर में है ये एपीएस पावर ट्रैक का दफ्तर, जहां पर टैक्स चोरी को लेकर के इन पर इल्जाम लगे। अनूप पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अनूप, बताइए क्या चल रहा था यहां पर, टैक्स चोरी करते थे? देखिए, बिल्कुल सरोजनी नगर इलाके में जो है एपीएस का ये दफ्तर है, जहां पर जो एपीएस पावर ट्रैक वैरायटी का ने जो है छापेमारी की है। छापेमारी में लाखों की टैक्स चोरी है वो पकड़ी गई है। आयकर विभाग का जो ट्रांसफार्मर जो है बनाती है ये कंपनी, और इसमें तमाम जो है दैनिक जो है इसके ऊपर आरोप थे। उसके बाद से लगातार जो है जो आई टी की टीम है वो इस पर काम कर रही थी, वो कल जो है यहाँ पे पहुंची है और छापेमारी की है, जिसमें जो है तमाम टैक्स चोरी संबंधित जो है कागजात जो जब्त किए हैं। तो साफ है कि बड़ी मात्रा में जो है ये सरकार को जो है चूना लगा रखे थे, चोरी की जा रही थी, जिसके बाद जो है छापेमारी करके जो है कार्रवाई की है। और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है जिस तरह से लगातार जो इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ना होगा राहुल। ये एपीएस नाम की कंपनी थी सरोजनी नगर में जो टैक्स चोरी करती थी, इसके बारे में पता चल गया तो इन पर कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल, लेकिन प्रज्ञा हमें आगे बढ़ने से पहले ब्रेक पर जाना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उस पार आपको तमाम अहम खबरें दिखाएंगे। दो मिनट में देश की खबर दिखाएंगे और बहुत सारी खबरें होंगी। आपको बस सुबह समाचार के साथ बने रहना होगा। बिल्कुल।